बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र पर आए हैं नोएडा के अंदर। यहाँ जो जितना विशाल पार्क आपने देखा होगा, यहाँ महापुरुषों की जो मूर्तियाँ देखी होंगी, वो बहन कुमारी मायावती ने बनाने का काम किया जब शासन में बहन कुमारी मायावती थी। तो आज हम सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर बहन जी का जन्मदिन। ज़्यादा भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम लोगों ने ये निश्चित किया कि हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बहन कुमारी मायावती का 66वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर हम आए हैं इस पूरे दलित प्रेरणा केंद्र में, लेकिन यहाँ बहन जी की जो प्रतिमा है उसको ढका गया है पॉलीथीन से। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट जब होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट के चक्कर में प्रशासन ने ढका होगा, वो कुछ भी ढक लें। अब की बार बहन कुमारी मायावती पूर्व बहुत की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के लोग, 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के, वो चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में वो लॉ एंड ऑर्डर का राज दें, कानून का राज दें, क्योंकि बहन जी एक ऐसी मात्र नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों को कानून का राज दे सकती हैं, जो एजुकेशन दे सकती हैं, रोज़गार दे सकती हैं, भयमुक्त माहौल दे सकती हैं, महिलाओं को मान सम्मान और सुरक्षा दे सकती हैं। अदरवाइज कोई ऐसी सरकार नहीं है। आपने पहली सरकार भी देख ली होगी और आपकी ये भी सरकार देख ली है। दोनों सरकारों में 10 साल से जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है सबको पता है, ना यहाँ पर नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना महिलाएं खुश हैं। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती को अब की बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने मन बना लिया है कि उनको अब की बार मुख्यमंत्री बनाने का काम और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। इसलिए बहन कुमारी मायावती का आदेश है और कोविड भी गाइडलाइंस है कि ज़्यादा भीड़ में नहीं बनाएंगे। अपने अपने घरों में सबने मनाया, हम भी जैसे कुछ लोग यहाँ पर थे उनके साथ में हमने मनाया। तो ये सिंबॉलिक है एक प्रकार से कि बहन जी का खुशी भरा रहेगा। हाँ, बिल्कुल खुशा रहेगा। 2022 हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा। बहन जी का जन्मदिन है और बहन जी के जन्मदिन पर पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, पूरे देश की महिलाएं और बहुजन समाज पूरा बहन कुमारी मायावती को इस जन्मदिन पर एक गिफ्ट देना चाहता है। वो उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन सुजीत जी, जो बहन जी की प्रतिमा है उस पर पॉलीथीन लगाने का क्या तात्पर्य समझते हैं प्रशासन द्वारा? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश है प्रशासन की बहन कुमारी मायावती की जो चीज़ों को ख़त्म करना। पिछली बार तो हाथियों पर भी लगा दी थी, आपने देखा होगा। तो 2012 के अंदर तो हाथी भी ढक दिए थे। अब बहन कुमारी मायावती की प्रतिमा ढकने का काम जो किया है लोगों ने, वो सिर्फ प्रशासन की एक मानसिकता है। अंदर है मूर्ति फिर भी ढक दी है। कोड ऑफ कंडक्ट में आती है कि किसी ये नेता की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। किसी नेता चिन्ह तो हाथी तो नहीं ढके गए ना? हाँ, वो नेताओं की मूर्ति भी लगा दी जाती है, ढक दी जाती है। अभी अंदर है, अंदर तो नहीं ढकनी चाहिए थी, मगर फिर इनकी मानसिकता है कि जो वो हर चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती की मूर्ति ढक दें, कुछ भी कर लें, मगर बहन जी को रोक नहीं सकते। 2022 में बहन जी रिपीट हो रही है, बहन जी आएंगी। सुजीत जी, अखिलेश यादव ने जब उनकी 2012 में सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि जितने मायावती ने पार्क बनाए हैं और जितने दलित प्रेरणा स्थल बनाए हैं जी, उनको हम एक बैंकट या शादी, उनमें शादियाँ होंगी, उनमें बैंकट हॉल बना देंगे। तो अब जिस तरह से ये बन रहा है, माहौल बन रहा है और वो दलित हितेशी बन रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट बनने के बाद इनको माना जाए कि ये पार्क जो है एक अच्छा खासा बैंकट या शादी समारोह का स्थल बन जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। देखो, 2012 से लेके और 2017 तक उनकी सरकार रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर वो दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं और उनकी सरकार जब आती है तो आपने देखा कितना गुंडा राज हो जाता है। उन्होंने जो बहन कुमारी मायावती ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम किया था, उसको डिमोशन करने का काम किया। और आपने ये भी देखा होगा कि उनके जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं, उन्होंने कहा था कि अगर बच्चों से कोई रेप हो जाए तो क्या उनको तुम फांसी सजा दोगे? तो महिला विरोधी भी हैं, तो दलित विरोधी तो हैं ही हैं वो। और जितना बहन कुमारी मायावती ने यहाँ पर नाम रखे थे, राज्य बनाए थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, उनका नाम भी बदलने का काम किया था। इसलिए जो दलित समाज है वो कभी भी अखिलेश यादव को, सपा को कभी भी वोट नहीं देगा, वो जान चुका है। और हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हम उसको वोट देंगे और उसका राजा बनाएंगे। बहन कुमारी मायावती को 2022 में सब नौजवानों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, ओबीसी ने, एससी ने, माइनॉरिटीज ने, सब ने निश्चित कर लिया है कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ही प्रदेश को चला सकती हैं। लेकिन भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब, वो तो खुद उनके पास चले गए थे गठबंधन के लिए। आज खुशी का मौसम है तो मैं इस मौके पर ऐसे बात नहीं करना चाहता उनके बारे में, ऐसे बारे में।
क्योंकि वो कहाँ जाएँ क्या नहीं जाएँ उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज खुशी का मौसम, अच्छी खुशी का समय है, अच्छी बात कीजिए, क्या बात करना है लोगों पर। तो क्या जीत पाएंगे इस बार में? बिल्कुल जीत पाएंगी, हम बार बार कह रहे हैं बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे। आपने कहा था कि 10 तारीख को मिलेंगे, हम 10 तारीख को मिलेंगे, हम 11 को मिलेंगे, 12 को मिलेंगे, मार्च में आप देख लेना, बहन जी ही जीत पाएंगी। हम लोगों ने पूरे देश में जा जाकर नौजवानों को तैयार करने का काम किया, और नौजवानों ने मन बना लिया है कि बहन जी ये नेता है हमारी, बहुजन समाज पार्टी है तो हमारी पार्टी है, अगर वो नहीं आएगी तो कौन आएगा बताइए। जन्मदिन को कैसे, किस प्रकार का तोहफा दोगे बहन जी को इस बार? बहन जी को अब की बार नौजवानों ने तोहफा देने का काम किया कि बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। पांचवी बार बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगी, क्योंकि बहन जी ही एक ऐसी नेता है जो उत्तर प्रदेश को बचा सकती हैं, अदरवाइज कोई दूसरा नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश को बचा सकता है। आपने सपा देख ली, आपने बीजेपी देख ली, दोनों के राज देख लिए, बाबा की सरकार तो ठोको सरकार है, और अखिलेश की सरकार में क्या होता है दलितों के साथ में आपको सबको पता है, तो दोनों सरकार नहीं चाहिए। अब की बार बहन कुमारी मायावती की सरकार चाहिए, बहन जी ने जो शासन में काम किया है, जो सुरक्षा दी है, जो एजुकेशन पर काम किया, रोजगार पर काम किया, ऐसे कोई सरकार नहीं कर पाई है, इसलिए बहन कुमारी मायावती जरूरी है, उत्तर प्रदेश की मजबूरी है। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि बहन जी की सरकार जैसे ही उत्तर प्रदेश में आती है वो पार्कों में बहुत पैसा खर्च कर देती हैं। बहन जी ने अपने स्पष्ट किया है कि जितना काम मुझे महापुरुषों के लिए करना था वो मैं कर चुकी हूँ और थोक के भाव कर चुकी हूँ। अब की बार मैं ऐसा प्रदेश बनाऊंगी इसको, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगी, बहन जी ने क्लियर कर दिया है, और नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगी बहन कुमारी मायावती, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देने का काम करेंगी बहन कुमारी मायावती। आज तो ठोको सरकार है, जो ज़्यादा बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर एनएसए लगा दिया जाएगा, यूपी लगा दिया जाएगा, जेलों में डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ग की सरकार चल रही है, बहन कुमारी मायावती के राज्य में सबका साथ सबका विकास की बात होती है, वहाँ पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है। बहन जी गौतम मुंडनगर से आती हैं, उनका गृह जनपद है ये, क्या लग रहा है कि कितने प्रत्याशी जीतेंगे यहाँ पर उनके? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे, यहाँ तीनों के तीनों जीतेंगे, बहुत अच्छी फाइट में है। हम भी, हमारा तो घर है यहाँ पर, तो हम लोग डेली यहाँ पर काम कर रहे हैं, डेली लोग नौजवान से बात कर रहे हैं। अब की बार वो बहुजन समाज पार्टी को सरकार में लेकर आएंगे, अब की बार धोखा नहीं खाएगा नौजवान, ना नौजवान, ना किसान, ना महिला, ना कोई भी आदमी जो भी बहन जी पर विश्वास करता है, जो पार्टी पर विश्वास करता है, जो संविधान पर विश्वास करता है, जो न्याय पर विश्वास करता है, अब की बार वो बहन जी को सरकार में लेकर आएंगे। अब की बार कोई चक्कर मारने वाला नहीं है। आज बहन जी का जन्मदिन है, जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि बहन जी के जन्मदिन पर मैं खासकर नौजवानों से, अम्बेडकरवादी नौजवानों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बहन जी के जन्मदिन पर अब की बार बहन जी को आपको एक गिफ्ट देना है। गिफ्ट सबसे अच्छा होगा कि बहन जी को पाँचवीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। अगर आपने बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, तो बहन कुमारी मायावती को उनके जन्मदिन का सबसे अच्छा गिफ्ट होगा।